7 टीवी न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। आइए आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में और एक काबिल अधिकारी के विषय में बताते हैं। मिर्जापुर में लालगंज क्षेत्राधिकारी भानु प्रकाश जी, आपको बता दें जिस दिन से लॉकडाउन शुरू हुआ है उस दिन से लगातार किसी न किसी ग्राम सभा में गरीब व्यक्तियों के लिए दैनिक वस्तुओं को लेकर उनके बीच रोजाना पहुंच रही हैं। उसी क्रम में आज एक गांव पचरा ददरी बांध के पास कोटेदार शारदा प्रसाद चार गांव का कोटेदार है, जिनके राशन वितरण में घोर अनियमितता की शिकायत मिली। कोटेदार की शिकायत राहुल कोल विधायक जी तथा क्षेत्र के अन्य व्यक्तियों ने की। जनता में राशन न वितरित किए जाने पर स्थानीय गांव वालों द्वारा उसके घर पर बड़ी संख्या में इकट्ठे होने घेराव कर असंतोष प्रकट करने की सूचना पर मैं इस गांव में आया। गांव वालों को शांत कराया गया, कोटेदार दुकान छोड़कर भाग गया। एसडीएम लालगंज को प्रथम दृष्टता, कार्ड धारकों को कम राशन दिए जाने, अवैध वसूली के आरोप आदि की पक्की सूचना दे दी गई। वे आवश्यक कार्यवाही करा रही हैं। मौके पर लालगंज थाने में एसआई चंद्रकांत तिवारी, मया आदि सभी अधिकारियों की उपस्थिति हुई, लेकिन सप्लाई इंस्पेक्टर मौके तक नहीं पहुंच पाए। लिहाजा देखना यह बाकी है कि जिले के काबिल अधिकारियों की उपस्थिति जिस ग्राम सभा में होती है वहाँ पर कार्यवाही तय होती है, लेकिन अगर कार्यवाही नहीं होती तो एक गरीब जनता बिना खाए मरेगी, यह भी तय है। इसी क्रम में लगातार कोटेदारों द्वारा घंटोली और राशन कटौती जबरदस्त हो रही है। इस पर अंकुश नहीं लगाया गया, कोटेदारों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही नहीं की गई तो जनता में अधिकारियों का स्तर कमजोर होता जाएगा। स्टार 7 टीवी न्यूज की कवरेज, अखिलेश तिवारी की खास रिपोर्ट। सीओ लालगंज अपने आदिवासी गांव बजरा में उपस्थित हूँ। ये चार गांवों के बीच में पड़ा हुआ गांव में ये कुछ पीड़ित आए हैं, ये कुछ पीड़ित गांव है। गांव वाले सोशल डिस्टेंस रखें, सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, दूरी की शिकायत दूरी के लिए जो राशन है ये है भूख पड़ी हुई है, इनको जो वाजे इनका हक है वो नहीं मिल पा रहा है। ये कुछ लोग हैं जिन्होंने जो हम उपस्थित है जो अपनी समस्याएं अपने शब्दों में बताना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि ये लिख के दें, उससे पहले आप खुद आप भी इनको जानने के लिए क्या कहना चाहती है, आप कहना है कुछ बताइए। हम 30 किलो पाए हैं मैडम संगीता देवी, कल के इंडिया पति 11 जने हैं। 11 जनों में 30 किलो मिला है आपको? 30 किलो मिला है। अच्छा, आप बताइए। सर मेरे 5 विषय भी जमीन है, मेरा ललका कार्ड मेरे घर में था वो भी कट गया, उन्हीं द्वारा दे रहे हैं बस। अच्छा, यानी उनका लाल कार्ड ही काट दिया। चलिए आप बताइए, आपका तो दाद हुई थी, आपने बताया था कि आपके पति बिहार में जमीन में विधवा हुई है, ये इस समय बिल्कुल नहीं मिली है, 3 बच्चे हैं उनके पास में, इनके घर में 2 यूनिट है सिर्फ, इनको कितना चावल मिला था आपको? 5 किलो सर। 5 किलो मिला हुआ, इसके बाद आप बताइए। 10 परिवार के 15 किलो पाई था। 10 का परिवार है, 15 किलो मिला है जी, आप बताइए। आपको परिवार है 10 किलो पाई था सर। कितना परिवार है? 2 जने हैं, बड़ी बूढ़ा तो 10 किलो। हाँ तो आपको ठीक है, 10 किलो मिलेगा, आप बताइए। 15 किलो पावा। परिवार कितना बड़ा है? 7 परिवार है, आपके शादियों में तो 5-3 रूपये मिला है। ऐसी तरह के बहुत लोग हैं पीछे मेरे साथ, बहुत लोग हैं जिनको इस तरह से मिला है। हम पूरी तरह से प्रशासन की तरफ से आपको आश्वस्त करना चाहते हैं, आपके साथ में कोई भी अनियमितता नहीं होने देंगे, चाहे गर्मी होगी, धूप होगी, जाड़ा होगा, बरसात होगी, मैं आपके बीच में उपस्थित रहूंगा। मैं इसीलिए बनाऊ, अगर ये जो अनियमितता है आप सिर्फ मुखर रूप से अपनी आवाज बताएं, मेरा नंबर नोट करें, जब भी आपको कोई चीज मिलती है तो तत्काल मुझे बताएं। ठीक है, धन्यवाद।